नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI अब लोगों को चॉकलेट बांटता नजर आने वाला है। चौंकिए मत, बैंकों को भी अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई कम मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। दरअसल SBI ने गांधीगिरी का अनोखा रास्ता अपनाया है उन लोगों के लिए जो लोन की किस्त नहीं चुकाते हैं। जनरली जब कोई लोन लेने वाला समय पर किस्त नहीं भरता है तो बैंक रिकवरी एजेंट्स या बैंक के कर्मचारियों को वसूली के लिए भेजते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। SBI अपने रिटेल बोरोवर्स को समय पर अपने लोन की EMI चुकाने की याद दिलाने के लिए चॉकलेट बांट रहा है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार मंथली इंस्टॉलमेंट पर डिफॉल्ट होने की संभावना वाले लोगों को बैंक चॉकलेट का एक पैकेट भेज रहा है। बैंक का कहना है कि जो कर्जदार डिफॉल्ट करने की योजना बना रहा है वह बैंक के रिमाइंडर कॉल का जवाब नहीं देगा, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिना बताए उनसे उनके घर पर मिले। बैंक उम्मीद है कि इस पहल से उन्हें लोन रिपेमेंट कलेक्शन में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। SBI के रिस्क कंप्लायंस एंड स्ट्रेस एसेट के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा कि इसके लिए बैंक ने 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाली फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी की है। एक कर्जदार के साथ सुलह कर रहा है, वहीं दूसरा कर्जदार की डिफॉल्ट करने की प्रवृत्ति के बारे में सचेत कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन कर्जदारों के डिफॉल्ट की संभावना ज्यादा है, फिनटेक कंपनी के प्रतिनिधि उनके घर बिना किसी पूर्व सूचना के, यानी कि बिना पहले बताए हुए वहां जाएंगे। वो अपने साथ चॉकलेट का एक पैकेट लेकर जाएंगे और उनसे मिलकर उन्हें लोन की EMI चुकाने की याद दिलाएंगे। अश्विनी कुमार ने बताया कि बैंक का ये प्रोजेक्ट फिलहाल पायलट स्टेज में है। SBI ने इसे 10 से 15 दिनों पहले ही शुरू किया है, लेकिन शुरुआती रिस्पॉन्स काफी शानदार है और इस अभियान से कलेक्शन में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पायलट स्टेज में अच्छे परिणाम मिलते हैं तो इसे बड़े स्तर पर अपनाया जा सकता है। SBI की यह मुहिम ऐसे समय आई है जब बैंकिंग इंडस्ट्री में रिटेल लोन में तेजी आई है। रिटेल लोन बढ़ने के साथ साथ मंथली EMI में डिफॉल्ट के भी मामले बढ़े हैं। ऐसे में सभी बैंक EMI और रीपेमेंट के लिए तरह तरह की मुहिम चला रहे हैं। SBI के मामले में देखें तो जून 2023 की तिमाही में SBI की रिटेल लोन बुक 16.46% से अधिक बढ़कर 12,04,279 करोड़ रुपए हो गई, जो कि एक साल पहले की अवधि में 10,34,111 करोड़ रुपए थी। बैंक की कुल लोन बुक 13.9% की बढ़ोतरी के साथ 33,03,731 करोड़ रुपए थी। पूरे सिस्टम में लगभग 16% की डबल डिजिट लोन ग्रोथ के साथ रिटेल लोन का सबसे बड़ा हिस्सा था। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक। बिजतक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें बिजतक प्रीमियम। मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।